की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बडगाम के बेरवा के नाजिन इलाके में तेंदुए के हमलों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग खौफ में मुब्तला है। तेंदुए के हमले में एक बच्चा इसका शिकार बन गया और हाल ही में तेंदुए के हमले में एक बच्ची भी जख्मी हुई, जिसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल कर लिया है और उसकी हालत खतरे से बाहर है, जिसके बाद महकमा जंगली हयात ने इस इलाके में अपनी टीमें भेजी हैं और वहां पर तेंदुए को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी पर खास है ये रिपोर्ट। अच्छा, वो लड़का लेपर्ड ने अपने साथ लिया। उस वक्त हमें 8 बजे वो इंसिडेंट हुआ, 8:30 बजे हमें पता मिला, तो 9:30 बजे हम यहाँ पहुंच गए। पूरी रात हम सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसी वक्त हमने एक ट्रैप इंस्टॉल किया विद लाइव बैट, उसमें बकरी डाल के। तो दूसरे रोज हम सर्च कर रहे थे, तो उसी शाम को दूसरा एक इंसिडेंट पेश आया, जिसमें एक बच्ची लेपर्ड ने अपने साथ ले ली, मगर लोगों के बर वक्त कार्रवाई पर उस बच्ची को बचा लिया गया है, जो कि अभी सिक्किमज में एडमिट है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, जैसे कि आपने भी देखा कि हम दिन भर सर्च कर रहे हैं, आपके सामने भी हमने पूरी सर्च की, मगर इतना डेंस है यहाँ पर ये इलाका, इतनी झाड़ियां, घनी झाड़ियां हैं जिनमें अंदर जाना ही मुश्किल है। अगर हमारे 10 फुट दूर ही लेपर्ड होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि झाड़ियां इतनी घनी है कि चलना नामुमकिन है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, हमने 2 ट्रैप किए हैं, 2 इंस्टॉल किए हैं, जिनमें हमने लाइव बैट रखे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ दिन में लेपर्ड ट्रैप हो जाएगा। देखिए, ये पहला वाका नहीं है, जैसे बड़गाम में ये छठा वाका है, शमशान हो या हरवानी हो या कहीं और जगह है, ये छठा हमला है। तो कल से हमने पहले ये देखा कि नाजन ब्रिकलन में एक बच्चे को निवाला बनाया है इस तेंदुए ने, तो उसी के बाद जब वहां से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी था वाइल्ड लाइफ वालों का, तो वो तेंदुआ भागकर यहां से आया है और यहां जो ब्रिकलन है, यहां पर गैर मजदूरों की एक बच्ची थी, उस पर जपट पड़ा। लेकिन बर वक्त कार्रवाई लोगों की, मुकामी लोगों और नॉन लोकल की कार्रवाई की वजह से उसकी जान छुड़ाई गई, लेकिन वो सीरियस है इस वक्त सिक्किमज में। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर जिस वक्त आप जिस जगह पर इस वक्त आप हैं, ये जगह तो वाइल्ड लाइफ शेर या तेंदुओं का गढ़ माना जाता है, ये मलबरी नर्सरी नहीं रही है, क्योंकि ये झाड़ियों की नर्सरी है। लगता है मेरे ख्याल में कि अमेजन जंगल यही है, दूसरा जंगल कश्मीर में यही है। हम डायरेक्टर, खसूस हम डायरेक्टर सरी कल्चर से ये अपील करना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पर कीकर मौजूद है, दूसरे दरख्त मौजूद है, यहाँ तूत का कोई नाम निशान नहीं है। तो अगर वो पैसा खर्च करता है, साल भर यहाँ मजदूर रहते हैं, क्यों ना एक बार वो इनकी कटाई करे, यहाँ ये जगह साफ करे, ताकि हमारा जो ये इलाका है, हमारे गाँव है, आस पास के पड़ोसी है, वो इन आदमखोर तेंदुओं से महफूज रह सके। कितना खौफ है अभी आप लोगों को? हमें बहुत खौफ है, कल से जब हमने ये इंसिडेंट देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों, मेरे सामने ये बात हुई कि तेंदुआ आया है, उसने झपट दिया है इस छोटी सी बच्ची पर, तो हम सब खौफ ज्यादा रह गए हैं। जो लेबर थे वो बेचारे रात को इसी तरह आग जलाए बैठे रहे थे, हम मुकामी लोग भी उनके साथ ही रहे थे, तो बहुत हम डर रहे हैं, हमें बहुत डर लगता है। चलेना जी, ये थे एक लोकल यहाँ के, और साथ ही मैं आपको एक बार फिर, ये वो एरिया है, काफी घना एरिया माना जाता है, कहा जा रहा है कि ये जो है तेंदुओं का गढ़ है, क्योंकि काफी घना एरिया है, हो सकता है कि इस एरिया में वो हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 दिन 2 हमले किए, जिसमें एक बच्ची की जान भी चली गई और दूसरी इस वक्त जेर इलाज हॉस्पिटल में है। कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई उनको सुराग मिले, ताकि जिस तरह से नुकसान हुआ है, उस आगे कोई ऐसा नुकसान, जानी नुकसान ना हो, उसको रोकने के लिए जो वाइल्ड लाइफ महकमा लगातार कोशिशें कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने कई जगहों पर ट्रैप्स भी लगाए हैं, अब क्या कुछ और ये करेंगे। जिस तरह से इसने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये नॉन लोकल मजदूर है, इनके भट्टों पे काम करते हैं, जो इनके पास रेजिडेंस होती है, वहां पर बाथरूम की फैसिलिटी न होने की वजह से शायद ये बाहर जाते हैं घर से, इस मकान से जिसमें रहते हैं उसे बाहर निकलते हैं, तो हो सकता है इस तरह का डैमेज इस वजह से हो सकता है, मगर कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द उस तेंदुए को हम पकड़ने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। गुलिस्तान न्यूज के लिए दानसर बेरवा से मैं मोहम्मद अशरफ।